डिकैथलॉन चलिए पानी नहीं आएगा 200 रुपया। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग आए हैं डिकैथलॉन, यहाँ से मुझे कुछ सामान लेना है। ग्रीन डिकैथलॉन स्टोर में क्या है, सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामान मिलता है। मुझे कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड सामान लेना था, उसके लिए मैं और राजवीर जो है डिकैथलॉन आए हैं। इसे भी थोड़ा सामान लेना है, मुझे तो लेना ही लेना है। तो काफ़ी दिनों से सोच रहा था मैं कि सामान लेने आऊँ, लेकिन अभी तक आ नहीं पाया था। अभी जो डिकैथलॉन में काम करते हैं एम्प्लॉइज, उनसे बात हुई है तो मैडम ने कहा है कि हम उस बंदे को लाते हैं जिसको टेंट्स के बारे में ज़्यादा पता हो, तो वो देखने गए हैं। तो जब वो आ जाएंगे तो लेना है। क्या बोल, क्या बोल, लेके तो आए हो। हेलो हेलो, हाय सनी, जितेंद्र सिंह, चल गए। मेरे को कैंपिंग टेंट चाहिए। ओके, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ 2% के लिए और 3% के लिए। ओके, तो आप मुझे दोनों बताइए लगा के। 2% का तो मैं देख रहा हूँ, ये सारे कैंप हैं। ये कौन सा कैंप है यार, ये तो पता नहीं, ये क्रेंचा का है, ये शायद 3% का और ये भी 3% का है, और शायद वहाँ पर पड़े हुए 2% के। ये भी सही है, लेकिन क्या है कि इतना अपने पास बैग में स्पेस नहीं रहेगा कि अपन चेयर भी डाल लें। अगर फैमिली के साथ जाना हो, गाड़ी हो ना, तब बढ़िया काम है इसके लिए। लेकिन खैर, अपने को अभी क्या है, कैंपिंग टेंट ही खरीदने आए हैं तो वही खरीदते हैं। हाय जितेंद्र सिंह। हाय सर, आई एम अथर्वा। ये 3% का है जी, ये 3% का है। हाँ। तो लाइक आप बिलिंग करते हैं कौन सा, तो मैं आपको बिलिंग करना खोल के पूरा दिखा देता हूँ, चेक करना है आपको कुछ। 2% खुला हुआ है। हाँ। तो मैं 3% आपको खोल के दिखा दूंगा। हाँ, पूरा। हाँ, हाँ। तो आप दोनों में सिलेक्ट कर लीजिए, बिलिंग कर लीजिए, जो बिल करेंगे आपको खोल के दे दूंगा। जी। सो अभी जो है टेंट, हम लोग, मैं थोड़ी हेल्प करवाऊंगा अथर्व भाई की, हम लोग जो है टेंट खोल के दिखेंगे। देखते हैं अगर 3% का समझ में आता है तो, 2% का तो हमने देखा है। तो अपना टेंट लग चुका है, 5 मिनट के अंदर टेंट लगा दिया दोनों ने हमने। ये जो है हमारा 3% का है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, 3 लोग आराम से सो सकते हैं। वैसे ये है, ये 2% का है, तो ये काफ़ी छोटा लग रहा है। 2% वाला, 2% वाला, 2%। तो भाई फाइनल हो गया है, 2% वाला ही ले रहा हूँ। 3% वाला क्या है, थोड़ा बड़ा भी है और वेट में भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3% वाला है वो शायद 3.5 किलो के आसपास है और 2% वाला है वो 2.5 किलो के आसपास है। तो मुझे ज़्यादा बैग में वज़न करना नहीं है। हाँ, 3% वाला ठीक है, लेकिन क्या है कि कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे। कभी कभी क्या होता है कि मुझे अकेले को जाना पड़ता है, तो उस समय मेरे को 3% वाला ज़्यादा काम आएगा नहीं। तो काफ़ी सोचने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना 2% वाला ही ले लेंगे, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। 2% वाले टेंट की जो प्राइस है ना, वो 2000 रुपीज़ है, और 3% वाले टेंट की जो प्राइस है वो 3000 है। तो मैं 2% टेंट के साथ जा रहा हूँ। ये चेयर बड़ी मस्त लगी है मुझे, इसे भी हम ख़रीदेंगे जब हम फैमिली ट्रिप पे जाएंगे। हमारा प्लान है फैमिली ट्रिप पे जाने का लद्दाख, मे बी अगले साल। सारे स्पोर्ट्स के लिए पूरी गैलरी है। ये वाला की, ये वाला कौन सा, ये आपको
अब सही है। कितना पड़ता है इसमें? क्या कर रहा था भाई? तू सर फुलवा लेता पक्का भी। देख भैया कितना अच्छा कर रहे हैं यार। स्केटिंग बोर्ड का तो नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार ट्राई करेंगे। पहले कभी किया नहीं और स्टार्टिंग में नहीं हो पाता है, प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। तो सोच रहा था कि मैं ले लूं, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी लेंगे। आज सिर्फ कैंप लेके चलते हैं। डिकैथलॉन का ये अच्छा है, स्टोर में आओ, सामान लो, वहीं पर बिलिंग कर दो, काउंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कितनी भी काउंटर पे भीड़ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी मैं जो है डिकैथलॉन के ऐप से ही इसकी पेमेंट करने वाला हूँ। उसके बाद अदरवाइज मेरे को ये टेंट खोल के दिखाएंगे एंड चेक करना है कि कोई फटा हुआ तो नहीं है या कुछ मिसिंग तो नहीं है, बस इसलिए ताकि मेरे को दोबारा ना आना पड़े वापस। थैंक यू। सो गाइस, आज की शॉपिंग कंप्लीट। फाइनली मैंने जो है 2 पर्सन वाला कैंपिंग टेंट खरीद लिया है। अब नाइट स्टे कर सकता हूँ। ये नहीं रहेगा कि यार 3 दिन में वापस आना है, अंधेरा होने वाला है। सो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर फिनिश। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।